अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? वंस अगेन लेजर लीग्स इज बैक। हम एक दोबारा नया लाइव सेशन करने लगे हैं पाकिस्तानी फुटबॉल और उसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए। हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस सादिया शेख, हु इज द फाउंडर ऑफ दिया वुमेन्स फुटबॉल क्लब। इट इज द फर्स्ट फुटबॉल क्लब, वुमेन्स फुटबॉल क्लब टू बी फॉर्मड इन पाकिस्तान वे बैक इन 2002। बहुत ही लंबी उनकी जर्नी चलती भी आ रही है, हम उनसे उसके बारे में बात करेंगे। और सादिया, पहले तो वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लेजर लीग्स इन दिस लाइव सेशन। अस्सलाम एंड वालेकुम शारिक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड पहला ही मेरा सवाल था कि 2002 में आपको ख्याल कैसे आया कि एक वुमेन्स फुटबॉल क्लब भी होना चाहिए? जी 2002 से पहले 2001 से मैंने एक बास्केटबॉल क्लब स्टार्ट किया था, मगर मेरी दो स्टूडेंट्स थी, मरियम लगारी एंड हिना जावेद, जिन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। दे टोल्ड मी कि मिस, अगर आपने ये खोल वो है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फीमेल फुटबॉल क्लब। आई सेड, बेटा यू थिंक वी विल हैव इनफ फीमेल्स? दे सेड, मिस वी कैन ऑलवेज ट्राई। सो इसके बाद 2002 में हमने अपना वुमेन फर्स्ट वुमेन फुटबॉल क्लब स्टार्ट किया। अराउंड पहले हमारे पास 7 लड़कियां होती थी एंड द रेस्ट वर बॉयज, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का रेशियो ये है कि वी हैव अराउंड 60 to 70 गर्ल्स एंड फ्यू बॉयज। बॉयज को हमने इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि द पेरेंट्स सेड कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब विद द गर्ल्स, एंड फिर हम उन्हीं बहन जो बच्चियां आती हैं उनके भाइयों को ले रहे हैं। सो वी हैव एन अंडर 13 बॉयज टीम एज वेल, जो आगे जाके बाय द नेम ऑफ साउथ यूथ सॉकर एकेडमी। तो ये अभी स्टार्ट किया है एंड दिस इज द वे माय जर्नी स्टार्टेड विद दिया। बिल्कुल, सो इट स्टार्टेड आउट एज अ पैशन प्रोजेक्ट, बट माशाल्लाह यू गाइस हैव बहुत कम्पिटिटिव आप लोग बन गए इवेंचुअली, और आप लोगों ने बहुत जी सारे नेशनल टीम के प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, यंग प्लेयर्स को ग्रूम भी किया है। तो वो कैसे आप लोग कर पाए और आप लोग को क्या स्ट्रगल उसके अंदर फेस आई क्लब को बनाने में बिल्कुल स्क्रैच से? देखिए, सबसे पहले आपको पता है कल्चर नॉर्म्स हमारे किस तरीके से हैं। कल्चर के साथ रिलीजन नॉर्म्स, रिलीजियस नॉर्म्स भी आ जाते हैं। आई रिमेम्बर मैंने पहले, हम लोग राहत स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे। वी यूज टू हायर, 2 घंटे के लिए हायर करते थे। वी यूज टू, वहां पे मुझे ये इशू आया दैट वहां पे मस्जिद है, जब मौलवी साहब निकलते थे दे यूज टू से कि आप कर लें मगर मेल्स के साथ आप मैचेस ना खेलें। फिर आके वो लोग बैठ जाते थे, हेजिटेंट होती थी बच्चियां, इवन आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल, क्योंकि सबसे पहले आजकल तो लड़कियां हो लड़के हो, यू नीड सेफ्टी, एंड बच्चियों के लिए खास तौर पे एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि दे शुड फील फ्री वाइल रनिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये जर्नी स्टार्ट होती रही। देन वी वेंट टू केएमसी, फिर हमने केपीटी, हर जगह कोरंगी में देयर वाज अ ग्राउंड, मिस्टर कमर वाज काइंड इनफ टू गिव अस द ग्राउंड। इसी तरह हम करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट दिया हैज प्रोड्यूस अराउंड 16 to 18 इंटरनेशनल वुमेन फुटबॉल प्लेयर्स, एंड वी स्टिल आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब तो वी हैव गॉन डाउन द स्ट्रीम लाइन, हमने अब अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12 पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है। द जर्नी आपकी वॉज जो हार्ड, द जर्नी वॉज हार्ड, आप यकीन करें, जब हम लियारी जैसे उसमें गए थे टू आस्क फॉर द गर्ल्स, आई हैड एवरीबडी, जो फैमिली के सारे बुजुर्ग थे, बैठ के मुझसे बात किया कि जी ये इस्लाम में ही नहीं है और ये इट्स नॉट, तो मैंने उनको एक ही जवाब देते थे कि जी आपकी बेटी है, जेनेटिकली जो चीज इसमें आई है इट्स फ्रॉम यू, जो चीज आपसे आई हो वो कैसे गलत हो सकती है। बस बिल्कुल, तो आप लोगों ने 18 से 20 इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को प्रोड्यूस किया है, जिसमें हाजरा खान जो कैप्टन भी हैं पाकिस्तान की, जी इंटरनेशनली भी बिल्कुल खेली, उनका नाम भी शामिल है। तो आपकी कुछ सीक्रेट रेसिपी है सक्सेस की, जिससे आप ये सारे प्लेयर्स को ढूंढती हैं, ग्रूम करती हैं, या राज क्या है इसका?
देखिए मैं एक चीज बताती हूँ जो मैंने सीखा है इन माय लॉन्ग जर्नी ऑफ कोचिंग. अ कोच इज असाइड, अ कोच इज अ पेरेंट, इज अ साइकोलॉजिस्ट, इज अ फिजियोलॉजिस्ट. आपकी फिजियोलॉजी है आपकी बच्ची, आप हर बच्ची का अपना एक कैपेबिलिटी होता है. आपको ये तो पता होगा साइंटिफिकली वी हैव थ्री बॉडी टाइप्स, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ. आप जरूरी नहीं है कि एक बच्ची की जो ट्रेनिंग हो रही है, जैसे हाजरा खान की जो ट्रेनिंग थी वही मैं रुखसार राशिद पे भी अप्लाई करूं, नहीं, नॉट नेसेसरी. तो वी कोच को बड़ा फोकस होना पड़ता है हर बच्चे पे. आप जब बच्चों के साथ रहते हैं, एक तो यू आर नॉट अ फ्रेंड बट यू आर फ्रेंडली. यू शुड नो कि जी उनके क्या मसाइल हैं, आप ट्राई करें सॉल्व करने के लिए. और उनकी उस पे आए कि बच्चा अगर आज फील कर रहा है टायर्ड या इज नॉट अप टू, शी इज, ही और शी इज नॉट अप टू द मार्क, उसके पीछे व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट पर्सन. मे बी घर से कोई प्रॉब्लम हो, मे बी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, मे बी शी इज नॉट वेल. सो यू हैव टू लुक एट एवरीथिंग. प्लेयर्स को यू हैव टू लाइक अपने माइंड के अलावा यू हैव टू गिव योर हार्ट एंड सोल टू प्रोड्यूस अ प्लेयर. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब आप क्लब रन करती हैं तो आप इसमें आपका खुद क्या रोल होता है और आपकी टीम में कौन कौन है, क्या कोचेज हैं और डिफरेंट लोग हैं? जी क्योंकि मेरे पास फीमेल ज्यादा हैं, सो आई हैव इंक्लूडिंग मी अराउंड फोर वेमेन कोचेस, सीज एंड डीज. देन आई हैव वेमेन एडमिनिस्ट्रेटर. रिसेंटली वी हैव हायर्ड अ वेमेन साइकोलॉजिस्ट, प्लस वी हैव ओनली टू मेल कोचेस. उनको भी इसीलिए रखा है क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है, हमारे पास अब छोटे बॉयज भी हैं, तो अगर इफ वी आर बिजी इन नेशनल्स या तो हमारे पास ऐसे मेल्स हैं, बट वी ऑलवेज हैव टू फीमेल्स टू थ्री फीमेल्स ऑन द फील्ड प्रेजेंट विद दोस मेल कोचेस. क्यों, और आजकल का हमारे पास जो माँ बाप से फीडबैक आता है, दे प्रेफर विमेन कोचेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी देयर ऑन द फील्ड. अगर हम नहीं है तो वो पूछते हैं एक्स है, अगर वो नहीं है तो वाई है. सो दिस इज द वे वी रन. फॉर मेरे हिसाब से विमेन कोच बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यू हैव टू हैव विमेन कोचेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इज वेरी एसेंशियल. क्योंकि विमेन में एक मदरली टच है, तो बिल्कुल दैट मदरली टच रियली हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस प्लेयर्स. इनफैक्ट ये बॉयज, छोटे बच्चों को जो हम ट्रेन करें अंडर 12, अंडर 13, उसके लिए भी इट्स वेरी हेल्पफुल. वो कभी कभार मेल कोचेस की बात नहीं मानते, मगर फीमेल्स की शायद, उनके यहाँ मच मोर क्लोज, उनके यहाँ घरों में अम्मियाँ ज्यादा होती हैं, सो दे मी फील और दे कैन एक्सप्लेन मोर टू द फीमेल कोच के लिए हमें यहाँ लग गई है. यू नो देर आर सर्टन थिंग्स. एंड मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जिस एज ग्रुप को हम सिखाते हैं, इट्स चिल्ड्रन आर मच मोर कंफर्टेबल विद फीमेल कोचेस. ओके तो जब आपने क्लब स्टार्ट किया और अभी भी आप लोग अपनी फंडिंग के लिए या जनरली अपनी रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए क्या करते हैं और क्या उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस आती हैं? जी मैंने जो दिया वुमेन फुटबॉल क्लब में बच्चियां आती हैं, दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. उनके हमने रिक्शे लगवाए हुए हैं, वैन्स लगवाई हुई हैं, और आ, 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 उनसे हम लोग अगर इंटरनेशनली भी जाते हैं, हम लोग उनसे 1 रुपया नहीं लेते, नॉट एट ऑल. हम ये करते हैं कि कमेटी एक चीज होती है, हम लोग डालते हैं में 2 साल की बिग लमसम के, इन जो बाकी अच्छी बच्चियां हैं, एक तो इनकी एजुकेशन, मेडिकल और ट्रिप्स होते हैं, प्लस में जो मेरी एक्स स्टूडेंट्स है लाइक मरियम लग अरीज है, और भी एक्स वाई दो तीन बच्चियां हैं, दे ऑलवेज हेल्प मी. उनके पेरेंट्स रिगार्ड करते हैं, तो वो कहते हैं मिसादी आपने हमारी बच्चियों को, वी नो व्हाट आर गर्ल्स वेंट व्हेन दे वर विद यू एंड हाउ यूज्ड टू केयर, हाउ यू यूज्ड टू केयर.
कुछ मेरी हैं बच्चियां जो स्कूलों से हैं एंड नाउ दे आर मैरिड या कुछ कर रही हैं, सो दे अगर जरूरत होती है किसी भी चीज की तो आई आस्क देम बेटा ये चीज है, इस बच्ची की फीस देनी है, ये फीस सेक्युलर है बच्चे आप खुद दे हो दे दो या मैं बैंक भेज देती हूँ इफ दे आर लिविंग अब्रॉड, उससे वो कहती है नहीं मैम आपसे, फिर इट्स डन जब होता है सो आई सेंड देम द रिसीट, वो मांगते नहीं है मगर एज ए मुस्लिम इट्स माई ड्यूटी कि जी अगर कोई हेल्प कर रहा है उनको पता चले द मनी इज गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेयर इट शुड बी गोइंग, सो दिस इज द वे द क्लब इज रनिंग अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब्स में मेरा एक लमसम आता है जो इन बच्चियों के लिए हर महीने हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, एरियाज हमारे मेट्रोवेल हैं, औरंगी है, कुरंगी है, आपकी मलीर से बच्चियां आती हैं मेरे पास, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, सो वी हैव अब तो हमने ये आगे कुरंगी से भी एक लालाबाद कोई है उधर से भी बच्चियां ली हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द वे अल्लाह इज वेरी काइंड दिस इज व्हाट आई विल से। आपको अब काम करते हुए इस वुमेन्स फुटबॉल में भी 18 साल हो गए। अब कंपेयर किया जाए दोनों को, मेंस फुटबॉल थोड़ा पहले से चल रहा था, बल्कि काफी पहले से चल रहा था, लेकिन अभी तकरीबन 2 डेकेड्स तो आप कह सकते हैं कि वुमेन्स फुटबॉल को भी हो गए हैं। आपकी नजर में क्या मसाइल हैं जो हमारी लड़कियों को पेश आ रहे हैं फुटबॉल खेलते हुए, और या हमारी टीम को प्रोग्रेस करते हुए आगे, कि वो इंटरनेशनल सतह पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकें? जिस तरह 2014 में भी वुमेन्स साफ चैंपियनशिप जब इस्लामाबाद में हुई थी, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। मजीद आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को आगे लेके जाने के लिए? शाहरुख ये बहुत अच्छा सवाल है, स्पीक फ्रॉम द हार्ट। देखिए मैं एक बात, विमेन को इतनी आपको नहीं मिलता जितना आपको मेन फुटबॉल को मिल रहा है, आप अपॉर्चुनिटीज जो विमेन फुटबॉल इसके लिए हैं बहुत कम है, अभी इतना जो साल का गैप आया है जिससे विमेन फुटबॉल इस साल हुई है तो कितनी लड़कियां शादी कर चुकी हैं, बिल्कुल कुछ जैसे का है शी प्लेड विद हर सन, उसका बच्चा भी था और एंड शी प्लेड, मगर बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो शादी के बाद अपनी वाइफ को खेलने देंगे। विमेन फुटबॉल का सबसे बड़ा सेटबैक ये है हमारे कल्चर नॉर्म व्हाट आई विल से कि शादी के बाद दे वोंट अलाउ देयर डॉटर टू प्ले, सन्स को दे विल ऑब्वियसली कि जी ही इज द ब्रेड ओनर एंड ही हैज टू, मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अलाउ करें क्योंकि विमेन फुटबॉल और बाकी भी स्पोर्ट्स में वैसी कम लड़कियां आती हैं, अगर ये सेटबैक रहेगा हमारा। दूसरी मैं एक चीज कहती हूँ कि हमारे उस पे ग्रास रूट लेवल पे लड़कियों पे भी बहुत ज्यादा काम होना चाहिए और फीमेल कोचेस पे, आप अभी भी देखें अगर कोई टीम सिलेक्ट करता है इट्स अ मेल कोच, असिस्टेंट कोच फीमेल बनती है, व्हाट अबाउट द ए एंड बी लाइसेंसेस दे हैव डन, इसका मतलब वो सब जाया गया है, आप इनको चांस तो दें, देर आर प्लेयर्स लाइक सना लाइक हाजरा लाइक रुखसार हु आर कोचिंग विमेन और वो बच्चों में बहुत अच्छा उनका लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड प्लेयर्स ऑन यूथ लेवल, सो व्हाई नॉट गिव देम अ चांस टू बी अ कोच, व्हाई डू वी नीड मेल कोचेस, कब तक रहेगा ये, यू हैव टू हैव विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन मैनेजर्स, विमेन कोचेस, विमेन साइकोलॉजिस्ट, मुझे पता है प्रोसेस बहुत लंबा है मगर स्टार्ट तो करें ना, पहले स्टार्ट किया इस चीज को आई यूज टू से द सेम थिंग और ना अब इस पे, आई एम वेरी हैप्पी के वी हैव अ विमेन जनरल सेक्रेटरी, इट्स गुड एंड आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू यू कि डू दीज चेंजेस, लेजर लीग ने बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है स्कूल्स में जाके करा रहे हैं आप टूर्नामेंट्स, दैट्स एक्सेप्शनल, आपको यहाँ से यही लेजर लीग PFF फुटसॉल की जो है दे शुड कंबाइन, बच्चों के लिए फुटसॉल छोटे छोटे गेम्स आर द बेस्ट, आप फुल फील्ड उन्हें ना खिलाएं आपको इनकी कैपेबिलिटी कभी भी नहीं पता चलेगा, वर्ल्ड ओवर बच्चे जब खेलते हैं ऑन ग्रास रूट लेवल इट्स ऑलवेज 5-a-side 7-a-side ज्यादा से ज्यादा 9-a-side, हमारे यहाँ क्या करते हैं बच्चे को स्टार्ट ही 11-a-side से करते हैं, ना इनको पासिंग की स्ट्रेटजी आती है
ना इनको टीम वर्क अच्छी तरह आता है, बाकी कॉर्नर्स वगैरह, थ्रू बॉल्स, ये तो बहुत बात की बात है। जब इन्हें छोटे गेम्स से आप खिलाएंगे, इसको हम स्कूल लेवल, जैसे लेजर लीग में आप लोगों ने स्टार्ट किया 5-a-side, 6-a-side, दैट इज द सेम थिंग पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन शुड डू। इसी तरह आगे फुटबॉल बढ़ेगा, जिस तरह आप लड़कों की तरबियत दे रहे हैं, हमारा क्लब है, देर शुड बी मोर क्लब्स जो बच्चियों के लिए फोकस करें। वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग फॉर गर्ल्स फ्रॉम एज 2.5, 2.5 से 3 साल की बच्ची एक्टिव हो हम उसे ले लेते हैं, उसके लिए हम अलग कोच रखते हैं, क्योंकि उसका जो मेंटल होता है वो बड़ा 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स से ज्यादा नहीं कर सकते आप उसे, आप फौरन अच्छा उसे फुटबॉल में नहीं लगा सकते, बट देर आर फन गेम्स। आपको उस लेवल पे हर कोच को अगर प्रोड्यूस करना है, चाहे मेल हो फीमेल हो, यू हैव टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ ईच चाइल्ड। यू हैव टू थिंक लाइक एन 8 year old, लाइक ए 12 year old, 10 year old, 5 year old, तो आपकी बनेंगे, एंड यू शुड हैव डिफरेंट। इस तरह हमने ये किया कि हमारा अंडर 8 की कोच इज डिफरेंट, अंडर 10 की इज डिफरेंट, अंडर 12 इज डिफरेंट, अंडर 16 और अबव उससे हम मेल कोचेस को अपने साथ रख लेते हैं, बट विद फीमेल। ऑफ कोर्स तो दिस इज द वे शुड बी डन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट न्यू एनसी टू प्लीज थिंक ऑन दोज लाइंस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, थैंक यू फॉर योर व्यूज एंड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन को सम अप किया। हमें वुमेन्स फुटबॉल पे और काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्र है कि आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जो इस पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और प्लेयर्स को डेवलप करना चाहते हैं। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा खत्म होते जा रहा है यहाँ पे, बट मिस सादिया थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया, अपने व्यूज भी शेयर किए, दिया वुमेन्स फुटबॉल क्लब की भी कहानी बताई। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर द फ्यूचर एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू शारुख, थैंक यू।